नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल इंडियंस जॉब एंट्री में। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत अच्छी खबर लेके आए हैं। इंडियन नेवी की तरफ से SSR और AA 2020 बैच के लिए ऑनलाइन फॉर्म आपके यहाँ पर आ चुके हैं। पूरी जानकारी बताएंगे हम आपको। विस्तार रूप से इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है और इसके कब से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और कब तक चलेंगे, तो इसकी लास्ट डेट 10 जुलाई जैसे आप देख रहे हो पूरी जानकारी बताने वाले। इसमें 27 पदों पर वैकेंसी आई है SSR और AA की। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलते हैं हम आपको। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ये यहाँ पर इसका नोटिस जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वीडियो को देखते रहिए पूरा, और हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। और वीडियो को लाइक जरूर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलती रहेगी आगे आने वाली। और देखिए यहाँ पर बात आती है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नंबर एक हम ले चलते हैं, इसमें क्या क्या है। इसमें 500 तो AA की वैकेंसी है तथा 2500 SSR की वैकेंसी आ चुकी है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी उन्होंने बोला है 10+2, उन्होंने बोला है 10+2 60%, ठीक है। तो ये है AA के लिए। और SSR की इन्होंने मांगा है, मतलब आपका पास होना चाहिए 10+2 में, ठीक है। और इसमें एज मांगी है उन्होंने 1 फरवरी 2000 से लेकर 31 जनवरी 2003 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। इसके आगे पीछे हुआ तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और यहाँ पर अगली इन्फॉर्मेशन के बाद में बात आती है तो वेतन और जो अन्य सुविधा, इसमें वेतन भत्ता, इसमें कितना वेतन मिलेगा। तो आपकी जो ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग के दौरान आपको 14,600 रुपये मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा 5200 रुपये ग्रेड पे वगैरह दे रखा है। और यहाँ पर नीचे दे रखा है आपकी पोस्टिंग, आगे जाके आपको पता चल जाएगा। इसको छोड़ के अगली जानकारी पर ले सकते हैं आपको। देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है इसका बीमा होता है आपका 50 लाख रुपए का इंडियन नेवी के, जो इंडियन नेवी वाले मेन के लिए, ठीक है। और उसमें मतलब भर्ती का चयन क्या है, पहले CVT होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल, ये 3 स्टेज में आपका पूरा सिलेक्शन किया जाएगा। और अगली बात आती है इसमें परीक्षा, इसमें परीक्षा जिसमें SSR AA दोनों की एक ही परीक्षा होगी, मतलब इसका CVT होगा, जिसमें कुछ 100 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो दोनों भाषाओं में होगा, हिंदी और इंग्लिश। और हर प्रश्न पत्र में 4 खंड होंगे, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और GK सामान्य ज्ञान। तो उसमें 10+2 का मतलब वो होगा लेवल। और इस वेबसाइट पर यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिलेबस। और प्रश्न पत्र की अवधि, मतलब आपका टाइम जो है 1 घंटे का होगा, ठीक है। 100 घंटों मतलब सभी खंडों में ज्यादा संपूर्ण होते उत्तीर्ण होना आवश्यक है आपको। हर मतलब हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली पास होना चाहिए तभी आप, ऐसा नहीं है कि 25 नंबर पर कट ऑफ गई हो तो आपके एक विषय में 25 नंबर आए और समय 0 तो आपका नहीं सिलेक्शन होगा। मतलब हर सब्जेक्ट में आपका पास होना जरूरी है। और नेगेटिव मार्किंग में 1/4 0.5 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। और इसमें PFT की बात आती है, फिजिकल की। फिजिकल में क्या है, मतलब फिजिकल की आपका फिजिकल में चांस में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। फिजिकल में क्या होगा आपका, PFT 7 मिनट में 1600 मीटर रेस है, 20 उठक बैठक, 10 बैठक हैं और अभ्यर्थी PFT में, ठीक है, इसको पास करना होगा, ठीक है दोस्तों। अब अगली बात पर ले चलते हैं हम आपको। इसमें उन्होंने बोला चयन प्रक्रिया क्या है, इसमें परीक्षा शुल्क आपको ऑनलाइन फॉर्म के लिए 205 रुपये यहाँ पर जमा करना होगा। 205 रुपये आप जमा करके आपका CVT होगा, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें दे रखा है आपको कैसे कैसे आपको करना। अगर आपका फॉर्म मतलब फीस कैंसिल मतलब कुछ हो जाता है या रुक जाती है तो आपका 7 दिन के बाद मतलब 7 दिन का प्रोसेस इसका लगेगा फीस वापस आने में, ठीक है। तो ये इसकी फीस की बात होगी। और अगली बात ले सकते हैं, तो इसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट आपका 30 दिन बाद, आपका एग्जाम के 30 दिन बाद घोषित किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और उसको अंक प्राप्त करने वाले लगभग 10,000 उम्मीदवारों की, इसके लिए इन्होंने जी भी साफ साफ बोल दिया है 10,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा PFT के लिए, जिसमें 1-2 दिन का समय लग सकता है। और उन्होंने यहाँ पर ये भी बोला है कि PFT की प्रारंभिक जांच के लिए केंद्रों पर नौसेना के मतलब विवेकाधिकार पर होगा। तो ये तो होगी आपकी मतलब रिजल्ट की बात, रिजल्ट आपका 30 दिन बाद आएगा। अब अगली नोटिफिकेशन पर ले चलते हैं। इन्होंने बोला आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है, तो उसमें दे रखा है साफ साफ आपके 28 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके चालू है, 10 जुलाई तक चलेंगे। आपको क्या कहना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करने से पहले अपने सारे प्रमाण पत्र और 10+2 का जो सर्टिफिकेट वगैरह वो निकाल के रख लेना है। आपको क्या करना है, इस लिंक पर जाना है joinindiannavy.gov.in पर, तो उस पर आपको मेल पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन पहले से कर चुके हैं तो आपको ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के यहाँ पर करेंट अपॉर्चुनिटी में जाके उस पर क्लिक करके अप्लाई पर जाके सबमिट करके, और यहाँ पर सब कुछ मतलब फोटोग्राफ आपका अपलोड करके फीस काट के पूरा फॉर्म आसान मतलब सिंपल तरीके से आपका फॉर्म भर जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, फोटोग्राफ भी दे रखा है, कितने साइज का फोटोग्राफ, 60 से 100 KB के बीच में आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। और लास्ट में ले चलते हैं हम आपको, देखिए आवेदन करने की यहाँ पर अंतिम तिथि 10 जुलाई दे रखी, चेतावनी भी दे रखी यहाँ पर, दलालों धोखेबाजों से सावधान रहना है, खुद किसी के उसमें नहीं आना, पैसे वैसे का कुछ भी नहीं चलता है,
यहाँ पर लिखा हुआ नौसेना में भर्ती पूर्णतः न्यायपूर्ण है, इसमें कोई भी मतलब फ्रॉड वगैरह कुछ नहीं है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर में आपको बहुत सारी जानकारी बता चुके हैं। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना वीडियो को, क्योंकि इसकी फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म भर दीजिए, 28 तारीख से फॉर्म चालू है। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और राम राम।